का चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और आप लोगों को वापसी हम लोग लेके आ चुके हैं मोटर कॉन्सेप्ट में। अब आज तक आप लोगों ने हम लोगों को जो ऑडियो अपग्रेड दिखाया है, मतलब हमने आपको दिखाया है, वो हमने आप लोगों को ओल्ड बलिनो न्यू बलिनो में दिखाया है। ऑल दो ग्लांजा सेम गाड़ी है, लेकिन अगेन जितने भी टोयोटा लवर्स हैं उनके लिए एक सुपर स्पेशल जो है वीडियो रहने वाली है। जिन भाई की ये गाड़ी है एक बार नाम बता दीजिए भाई। करण भाई हमारे साथ है। भाई इससे पहले आपने मोटर कॉन्सेप्ट से वर्किंग कराई है कि नहीं कराई है? कौन सी गाड़ी कराई है? वेन्यू। क्या करवाया था उस टाइम पे? उसमें भी यही था, चार एरीज, ठीक है, फ्लक्स था और एक डीडी का मोनो। कैसा रिस्पांस था भाई? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। कितने साल पुरानी बात है पहले ये बताओ? एक साल ही हुआ। दोबारा आ गए एक और गाड़ी लेके। वेरी नाइस। तो भाई पाजी भैया की क्या रिक्वायरमेंट थी पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। भैया की रिक्वायरमेंट थी, भैया ऑलरेडी एक अच्छा सेटअप सुन रहे थे, तो एरीज के एक पर्सनल फैन है, तो एरीज इन्होंने सुना हुआ एक डेढ़ साल से, रात ही पहले कहा कि भैया एरीज इज अ किक-ऐस, मेरे कंपोनेंट वही लगाने हैं। इस बार वूफर हम थोड़ा सा बेस ज़्यादा लाउड जाने का प्लान कर रहे थे, तो इसलिए अभी हम हैमरटेक के वूफर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग प्रीमियम सबवूफर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, यू हैव द ऑप्शन फॉर हैमरटेक एंड सनडाउन ऑडियो का। हाँ, डीडी सनडाउन हैमरटेक। डीडी तो हमारा है ही, वो तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है ही। मैं भी पर्सनली डीडी यूज कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड भी करूंगा कि डीडी जो है उसकी वो ऊपर है जो आप भी अपनी एसयूवी में यूज कर। अच्छा, ये सेम ही वाला है, तो इसका तो बहुत ही जबरदस्त वाला रिस्पॉन्स है। ठीक है भाई, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपका बूट कंसर्न क्या था कि आपको बूट स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी मोस्टली सिटी ड्राइव होती है, तो बूट कंसर्न इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, मेरे को ये था कि वूफर चलेगा अगर बड़ा भी हो तो। बड़ा होगा तो ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है, फिट एंड फिनिश आप लोग देख सकते हैं। भाई एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई कहता है कि मेरे को यही सब वूफर छोटे बॉक्स में मिल जाए, तो क्या वो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, जैसे जैसे आप बॉक्स कम करते जाते हो, बेस की थिकनेस कम होती जाती है, जो उसके डीप बेस की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, पंचीनेस बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, ऑप्शन है इसके लिए, हमने छोटे में भी तीन बॉक्स और डिजाइन करे हैं, जो कि जैसे ये पर्टिकुलरली 1.75 क्यूबिक फिट है। क्यूबिक फिट जो होता है इसकी मेजरली वॉल्यूम डिसाइड करता है, तो अब जो हैमरटेक के सबवूफर्स हैं वो 1.2 क्यूबिक फिट से स्टार्ट हो जाते हैं, क्या अलग चीज है जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि वो एक अट्रैक्शन पॉइंट हमेशा रहेगा? एरीज SQL है, बट वो लाउड काफी है, मतलब मेरे जैसे ये था कि इतनी हैवी बेस चल रही है तो उसके साथ लाउड चाहिए वोकल। मुझे वोकल बेस से वोकल दबाना पसंद नहीं है, ठीक है, पर क्लैरिटी एरीज उसके साथ डिलीवर करता है। अच्छा भाजी, इफ वी कंपेयर दी आप लोगों का करंट जो एरीज यूज कर रहे हैं और इसके सिवा CE 165 अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक बार बताना। दोनों अच्छा है, देखिए पर्सनली इन्होंने सुना हुआ है तो इनके लिए अच्छा था, लेकिन मर्करी CE 165 भी बहुत बढ़िया, और मेरे को लगता है वो ज्यादा ब्राइट है, मतलब एरीज से तो ज्यादा ब्राइट है। मैंने जैसे भैया ने पहले ही मेरे को इन्फॉर्म करा था कि जैसे मेरे को ऑप्शन था मर्करी था और डीडी भी था, DDDC, बट उनकी जो ट्रेबल है वो काफी ज्यादा ब्राइट है मेरे टेस्ट के लिए, मेरे को क्लैरिटी जैसे ज्यादा अच्छी लगी, हर नोट सुनाई देगा। तेज गाना सुनते हो या फिर क्लियर गाना सुनते हो? मोस्टली क्लियर। क्लियर गाना कभी कभी शॉक की बात है, सारे वक्त में सुन भी नहीं सकते हम। हाँ, इनका टेस्ट जो है वो बेसिकली SQ था, तो इनको मिड रेंज पे भी थोड़ा फोकस चाहिए था, ट्रैवल ज्यादा ब्राइट नहीं चाहिए थी, बेस ऑन एंड ऑफ ये जब चाहेंगे तो ये पुल कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल इनको एक अच्छा सूदिंग एनवायरनमेंट चाहिए। वेरी नाइस। ठीक है, हम लोग गाड़ी की तरफ जो है भाई की लेके चलते हैं। अगेन जितने भी लोगों के पास ग्लांजा है उनके लिए ये एक ऑप्शन रहेगा, अगेन बलिनो वाले भी इससे रिलेट कर सकते हैं। न्यू ओल्ड आप लोगों को सेम सेटअप जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर अगर डैम्पिंग के बारे में बात करते हैं, कितने लेयर की हम लोगों ने डैम्पिंग इसके अंदर कंप्लीट करी है? थ्री लेयर डैम्प करा है हमने, तीनों पे अंदर भी करी है डैम्पिंग, सेंटर में भी करी है और प्लास्टिक पैनल्स पे भी हमने करी है। तो आप लोगों को पैनल भी हम लोग यहाँ पर आई गेस दिखा पाएंगे, डैम्पिंग करी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तीन लेयर डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस उसको थोप दो जहाँ पर उसका मिनिमलिस्टिक चीज होती है। देखिए, वेट बढ़ाना गाड़ी का वो नहीं है, कंपनी को सर्टेनली एक वेट पे गाड़ी लाती है। Correct. तो आपका ये नहीं होता कि कई बंदे कहते हैं भैया ये खाली हो गया यहाँ पे भी चिपका दो, तो ओवर चिपकाने का कोई फायदा नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होने चाहिए जहाँ से रैटल्स आ सकती है, उसको जितना मिनिमाइज करो दैट इज डैम्पिंग। करेक्ट। तो अगर आप लोग सिंगल लेयर भी डैम करा रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप लोग थोड़ा सा चाहते हो डेडनिंग और अच्छा कराना, तो आप लोग इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रिसाइजली वर्किंग देखने को मिलेगा। मोटर कॉन्सेप्ट की जो हमारी टीम है, जो हमारी यहाँ वर्किंग टीम है, वो कैसी टीम लगी भाई आपको? बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी, काफी हेल्पफुल है, काफी इन्फॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं बोलते नहीं भैया आप अंदर जाके बैठ जाओ आपका काम चल रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा काम स्पेशली सोनू भैया ने किया है, ठीक है, तो मैं तो उनसे बहुत खुश हूँ, उन्हें हर एक चीज लगाते हुए मैं, क्योंकि मेरी आदत वो है कि मैं कुछ भी काम कराता हूँ मैं सर पे खड़े होकर कराता हूँ, ठीक है, तो सोनू भैया ने मेरे को एक एक चीज बड़ी पेशेंटली समझाते करती। वेरी नाइस। तो भाई यही एक खासियत है जो कि आप लोगों को मोटर कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगी। अगेन वन ऑफ दी फेवरेट ऑल्सो भी बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पोलो में भी इसको यूज कर रहा हूँ, और मेरी गाड़ी में जितना बंदा बैठ रहा हूँ कह रहा भैया सबवूफर कौन सा लगा रखा है,
क्योंकि वो जो पंच आता है, जो मिड पंच आता है, वो आप लोगों को फील होगा कि हाँ यार मेरी गाड़ी में कोई सबवूफर रखा हुआ है। और मेरा तो हमने अभी जस्ट हमें अभी एक फॉर्च्यूनर हमने एक फिनिश करी है जिसमें चार कंपोनेंट थे और उन्होंने एक्चुअली स्पीकरों से भी मिड बेस करवाई कि हमें वोकल थोड़ा ज्यादा चाहिए, इतनी बेस नहीं चाहिए। वेरी नाइस। तो भाई ये चीज आप लोग जरूर समझिएगा। और पाजी इसके हम ट्विटर्स कहां प्लेस कर रहे हैं बता दीजिए। अभी चेक कर रहे हैं कि स्टॉक के अगर पोजीशन में आ जाता है ठीक है, नहीं तो हमें फिर एंगल माउंट लेके जाएंगे। एंगल माउंट लेके जाएंगे। मैं आप लोगों को पर्सनली एंगल माउंट जो है वो रिकमेंड करूंगा। आप लोगों को थोड़ा सा एक लुक भी आ जाता है, एक आप लोगों को थोड़ा सा दूसरा बंदा देखेगा तो पूछेगा तो आपसे कि भैया क्या करवा रखा है। ठीक है, वो TS20 नहीं होते, ये कई सारे लोग उसको आगे रिलेट करते हो TS20 रखे हुए, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वर्किंग आप लोग समझ लेना। इनका जो गाड़ी है उसके अंदर आप लोगों को स्टॉक स्टीरियो इसके अंदर देखने को मिलता है। रियर भी जो है हम लोग सेम चीज प्ले कर रहे हैं। एम्पलीफायर्स कौन से लगे हुए भाजी इसमें एक बार बता दें। हैमरटेक के एम्पलीफायर्स हैं, 4 चैनल 470.4 है और मोनो हमने 1000 RMS है, फ्यूचर प्रूफ रखा है। हालांकि जिस बूफर की कैपेबिलिटी 600-700 RMS लेने की है, लेकिन यू नेवर नो भैया का मूड कट जाएगा, 1000 RMS तो ये हो जाता है जब एक ऑडियो लवर होता है, तो उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को एक बार सीट जो है खोल के पूरा इस पर वर्किंग चेक कराऊंगा। पाजी तब तक के लिए एक बार मेरे को फ्रंट से बता दीजिए, जो हम लोग वायर ड्रॉ करते हैं फ्रंट से उसके बारे में थोड़ा समझिए, उसका कैसा रहता है, कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं। वायर की वर्किंग आप देख सकोगे। ठीक है, हम थोड़ा फ्लैश ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी रूटिंग करी है, जो ओरिजिनल रिब्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने सारे इसके जो बिल्कुल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से एक बार आप लोग देख भी पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका पूरा वायरिंग जा रहा है और नीचे यहाँ पर एक स्लॉट दिया जाता है जहाँ से आपका रबर जो है निकलता है। हाँ। तो वहाँ से सारी वायरिंग हमने ड्रॉ की। स्लीव्स भी कई लोग उतार देते हैं, फेंक देते हैं, अगर आपके वायरिंग किट में ये स्लीव नहीं मिलती। कई बार बहुत सारी बेसिक किट्स आती हैं जिसमें ये स्लीव नहीं होती, तो आप अलग से ये स्लीव्स परचेज करके किसी तरीके की कवरिंग होती है तो जिससे रबर को जलने वगैरह में या इंसुलेटेड रहती है वो हीट वगैरह से, तो ये स्लीव ज़रूर यूज़ करें। फ्यूजेस ज़रूर यूज़ करें कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या एम्पलीफायर में कोई इशू हुआ है तो आपका फ्यूज डैमेज हो जाना चाहिए, वो अच्छी चीज़ होती है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बस आपके वो एम्पलीफायर्स को बचा लेगा। हाँ, लेकिन आपके अगर अच्छे एम्प्स लगे हैं और आप पावर रेटिंग्स मैच करके चल रहे हैं तो आपके फ्यूजेस में कभी दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, अगर आप गुड क्वालिटी फ्यूजेस यूज़ कर रहे हो। तो आप लोगों को जो है हम लोग एक बारी हमारे एम्पलीफायर्स की भी प्लेसमेंट दिखाए थे। ठीक है, तो ये एक एम्पलीफायर आपका यहाँ पर लगा है, एक हम लोगों ने यहाँ प्लेस किया है, एक हमारा है 4 चैनल और एक हमारा है मोनो एम्पलीफायर, और दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पूरी की पूरी इसमें मिल गई। अगेन वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि इस सेटअप की कॉस्टिंग जो है वो आप लोगों को क्या पड़ेगी। सारी वर्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है अपना सारा काम होने के बाद। ये जरूर लीजिएगा, ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है, ये आप लोगों का वारंटी कार्ड है। ठीक है, तो पहली आपने वेन्यू तैयार कराई थी और दूसरी जो है वो आपने ग्लांजा तैयार कराई है। भाई के दो दोस्त भी है, क्या नाम है भाई? मानव भाई, ईशान भाई हमारे साथ है। ठीक है, तो दोनों भाई जो है वो भाई के साथ ही। कैसा लगी भाई आवाज? बहुत बढ़िया, अच्छी बज रही है। भाई की वेन्यू कैसी बजती है? बहुत ही बढ़िया, हम तो शुरू से ही देख ही रहे हैं, ये सभी करवाता रहता है। ऑटो में भी करवाता था। ऑटो में? अरे ठीक है भाई। तो भाई एक बार थोड़ा सेटअप के बारे में बताइए, क्या कॉस्टिंग है इसकी सेटअप की? देखिए सेटअप अप्रोक्सीमेटली इनका जो ओवरऑल फुल सेटअप बैठा है वो 1,11,000 का बैठा है। कोई दिक्कत नहीं है, घर पे वीडियो जाती है कहीं पर अगर कोई देख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 1,11,000 का ये सेटअप है जिसके अंदर आप लोगों को आई गेस्ट एंड वाली फील मिल चुकी है। अब इसके बाद ये सब ऊपर ही बड़ा करते हैं। इनका बजट था देखो 1,000 रुपए, आज इनके प्लस गए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी फाइनल सेटिस्फेक्शन एरीज से ही होनी थी तो एरीज ही फाइनल हुआ है। तो चारों कंपोनेंट्स हमने एरीज के लगाए हैं, डीडी की 3-लेयर डैम्पिंग, पीछे भी बूट में भी डैम्पिंग हुई है, हैमरटेक का जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ 4 चैनल एम्प, हैमरटेक का 1000 RMS एम्प, हैमरटेक का ही वूफर है कस्टम 1.75 एनक्लोजर में, और प्रॉपर सारी वायरिंग और स्कॉशे का कन्वर्टर। चलो भाई पूरी वर्किंग है, सेटिस्फाई हो आप? बहुत ज्यादा। रिकमेंड करोगे? बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही करता हूँ।
कि मोटर कॉन्सर्ट में आना चाहिए, ठीक है। ये वर्किंग जो है हमारे मोटर कॉन्सर्ट भैया ने करी है, ये ऑडियो डेडिकेटेड सारी की सारी आप लोगों को चीजें देते हैं, कभी कभी बैक कैमरा भी लगा देते हैं, अगर आप लोग स्टीरियो लगाओगे तो बैक कैमरा भैया आप लोगों को लगा के दे देंगे, ठीक है। वर्किंग आप लोगों के लिए करवा सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा है, जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम मुसाफिर तक ग्यारह, फेसबुक मुसाफिर कार्स। आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे कर दो, बाय बाय।